अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। सीन ऐसा है, अभी हम लोगों ने जाना है अड्डे पे सामान लेने के लिए। पापा ने ना कल बस में सामान बुक करवाया था, सामान हमारा अड्डे पे पहुंच गया और अब्दुल्ला को मैंने न्यू घर भेज दिया ताकि वो बर्ड्स को, रैबिट्स को, डक्स वगैरह वो खाना छाना खिला के आ जाए। और मामा ने फटाफट से मेरा भी नाश्ता रेडी कर दिया और अली को भी मैंने उठा दिया। अली जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ, खड़े हो, जल्दी जाना है हम लोगों ने। मामा ने भाई नाश्ते में आज मैंगो काट के दिए भाई। ओ वाह, माय फेवरेट। क्या है नाश्ते में? पराठा है, सालन है, मैंगो है। मैंगो खाने का भाई नाश्ते में एक अलग ही मज़ा है। तो करते हैं भाई फटाफट से अपना नाश्ता, फिर निकलते हैं अड्डे के लिए। नाश्ता कर लिया, अब्दुल्ला भी न्यू घर से आ गया। अब हम लोगों ने ना पहले लोडर पकड़ना है क्योंकि सामान बहुत सारा है। पहले हम लोग जाते हैं लोडर शोडर पकड़ते हैं, फिर हम लोग अड्डे पे जाएंगे और इस व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। चलो अली बैठो बैठो, जल्दी बैठो। ओए ओए ओए, अभी बाइक गिर जाती भाई, क्या कर रहे हो? चलो लोडर हमने करवा लिया और चट्टी लाल को हम लोगों ने लोडर में चढ़ा दिया। चलते हैं भाई फटाफट से अड्डे पे, ठीक है? चलो चलो, हम तो लोडर से पहले ही अड्डे पे पहुंच गए और हमारा सामान भी आ गया। ये बेड है और एक साथ गद्दे, और अली के काम चेक करो, गद्दे पे आते साथ सो गया। अली की नींद पूरी नहीं है क्या? खड़े हो जाओ, धूप है अली, काले हो जाओगे। लोडर भी पहुंच गया, फटाफट से सामान लोड करते हैं लोडर में। देखो कितनी मेहनत हो रही है, कितनी मुश्किल से लगा जा रहा है बैड। अली हमारे मजे ले रहे हैं, 10 रुपए कट जाएंगे नहीं तो। हाँ हाँ, बहुत भारी है ये। सामान सामान लोड कर दिया और अली कहाँ चढ़ के बैठ गया? चलो आओ नीचे, लोडर में आऊंगा। कोई जरूरत नहीं, आप मस्तियां करोगे, गिर गिरा जाओगे। चलो हमारे साथ आ जाओ, जल्दी आओ। घर पहुंच गए, लोडर भी पहुंच गया और अब्दुल्ला का प्रैक्टिकल था, अब्दुल्ला प्रैक्टिकल देने चला गया। अब हम लोगों को अकेले ही सामान उतारना पड़ेगा। सामान सामान सारा हमने उतार लिया, फिलहाल के लिए सामान इधर ही छोड़ दिया, बाद में सेटिंग सेटिंग कर लेंगे। और 2 दिन तो भाई बहुत अच्छा मौसम था, बारिश होती रही और आज फिर से धूप निकल गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज भी, और आज जुमा भी है, जुमे की नमाज़ का टाइम भी हो रहा है, अजाने भी हो रही हैं। तो करते हैं भाई फटाफट से जुमे की नमाज़ की तैयारी। नहा धो के रेडी शेडी हो गए और अब्दुल्ला अभी तक प्रैक्टिकल दे के नहीं आया, तो मैं और अली जा रहे हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। जुमे की नमाज़ पढ़ के आ गए और पापा की कॉल आई है। पापा बोल रहे हैं कि मैं पहुंचने वाला हूं, मतलब पापा हम लोगों को अचानक से सरप्राइज दे रहे हैं। और फाकू भी आया, फाकू नमाज़ पढ़ने गया था? नहीं गया नमाज पढ़ने, क्यों? फाकू बाबा आ रहा है, बाबा गाड़ी लेके। हाँ ये देखो कितना खुश हो, पापा आ रहे हैं। पापा आ गए, फाइनली पापा आ गए भाई। अस्सलाम वालेकुम पापा, आपने तो अचानक से सरप्राइज दिया हम लोगों को। आ जाओ आ जाओ, आने दो आने दो आने दो। और तो और अली और पापा के कपड़े भी भाई एक जैसे हैं। चलो पहले गाड़ी से सामान निकाल, चलो उतरो ना, सामान सामान कौन निकालेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो फाकू भी खड़ा होके देख रहा, आ जाओ फाकू, बाबा आ जाओ, मिल ले बाबा से, मिल ले बाबा से, मिल। फाकू ये ले सामान लेके जा, सामान पकड़, ये ले सामान सामान निकाल ले सारा, सामान सामान निकाल लिया सारा कार से। इस वाली कार को भी हम लोग न्यू घर लेके जा रहे हैं। न्यू घर आ गए हम लोग, न्यू कार हम लोगों को आगे करनी पड़ेगी। आ जाओ पापा ले आओ आगे। दोनों कार्स बड़े मजे से न्यू घर में आ गई हैं। चलते हैं भाई फटाफट से घर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया मैं तो। चलो अली घर आ गए, खाना भी रेडी हो गया। खाने में आज मामा ने चिकन बिरयानी बनाई है, खीर बनाई है, तो खाते हैं भाई फटाफट से दोपहर का खाना। खाना शाना खा के हम लोग न्यू घर में आ गए थे। परसों जो हमारी डक बीमार हुई थी ना, उसे फालिज का अटैक हुआ था, हमने उसका ट्रीटमेंट करवाया था और अब बिल्कुल ठीक हो गई है, दूसरी डक्स की तरह चलने लग गई है। ये वाली डक थी, ये देखो भाग रही है, बिल्कुल सही हो गई। और सारे कबूतरों को भी हमने बाहर निकाल दिया, 2 मुर्गियाँ भी ले ली हैं, देखो बड़े मज़े से मुर्गे के साथ इंजॉय कर रही हैं। और एक न्यू मुर्गा और भी लिया है, वो इसके अंदर बंद है, उसको निकालते नहीं है वरना मुर्गे ना आपस में लड़ पड़ते हैं। ये वो निकल गया, पकड़ो उसे, लड़ने लग जाएंगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, असद पकड़ ले। अब थोड़ी देर ना,
हाँ इस वाले मुर्गे को बंद कर देते हैं थोड़ी देर, अभी देखना छलांग लगाएंगे। ये देखो अली के काम चेक करो, अली लड़ेंगे, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, चलो जल्दी से बंद कर दो। वो देखो पैंथर कैसे छलांगे लगा रहा है, पैंथर बैठ जाओ। बंद कर दो अली बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो जल्दी बंद कर दो। ओह चलो चलो चलो, सबको हमने खाना छाना दे दिया, स्विमिंग पूल में ना हमने थोड़ा सा पानी भरा ताकि डक्स आराम से इंजॉय कर सकें। हम लोगों ने जाना था आज आम के बागों में, हम लोग ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए, चलो चलो जल्दी चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आम के बागों में, बहुत मज़ा आने वाला है। फाइनली गाइज हम लोग आम के बाग में पहुंच गए, यहाँ पे चेक करो आम ही आम लगे हुए, आम अभी थोड़े कच्चे हैं, केरी टाइप आम है, और यहाँ पे बहुत सारे और बहुत पुराने आम के दरख्त लगे हुए। आगे चलते हैं, अली कहाँ गया? अली बहुत आगे, यहाँ पे भी आके अली ने मस्तियाँ शुरू कर दी हैं, वो देखो आगे भाग गया। मैं तो कह रहा हूँ अली के साथ आज हम लोग प्रैंक कर देते हैं, ठीक है? अली के पास चलते हैं, अली को आम के दरख्त पे चढ़ाते हैं और अली को छोड़ के भाग जाएंगे। जिस मेरे दोस्त का है ना ये आम का बाग, उसको बोलेंगे अली को पकड़ के ना अली के साथ प्रैंक कर दो, मारो भाई क्यों ये आम शाम तोड़ रहे हो। सही है, बहुत शरारतें करता है भाई, यहाँ पे भी आके इसने मस्तियाँ शुरू कर दी हैं, बताना नहीं, ठीक है? हम छुप जाएंगे। अली क्या हुआ? आप पहले ही भाग के आ गए, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कुत्ते भी होते हैं, काट लेंगे आपको। ये देखो भाई कितने सारे आम लगे हुए, ओए होए होए होए। आप भी तो हमारे साथ आए हो। हाँ मैं भी आम आया हूँ आपके साथ, कहाँ चढ़ रहे हो? मैं आम तोड़ रहा हूँ। आराम से देख के चढ़ना अब्दुल्ला, देख के चढ़ा दे। असद असद शार्ट हो जा, शार्ट हो जा। अब्दुल्ला ने अली को आम के दरख्त पे चढ़ा दिया। अब्दुल्ला भाग गया, मैं भी भाग जाता हूँ, अभी अली के साथ प्रैंक होने वाला है, मैं छुप जाता हूँ उधर। वो देखो मेरा दोस्त आ गया, ओए वो देखो, ओए ओए वो देखो, ओए अली को मार दिया, ओए 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 अली तो रोने लग गया। असद असद आ जा यार, वो रोने लग गया। ओए कुत्ता भी आ गया, अरे भाई भाई, अरे छोड़ दो यार, दोस्त है अली हमारा, ये आपके साथ प्रैंक किया, आप मस्तियां कर रहे थे ना, आम बोल रहे थे ना, अरे अली तो रोने लग गया, प्रैंक था, हाय कर दो। अली सबके साथ प्रैंक करता है, आज हमने अली के साथ प्रैंक कर दिया। अरे भाई सच में रोने लग गया भाई ये, अरे चुप चुप बस, चलो तोड़ लो आम, तोड़ लो भाई, मैं भी तोड़ता हूँ आम। हम लोग चढ़ते हैं यहाँ पे ऊपर, ओए देखो भाई दरख्त के ऊपर चढ़ गया हूँ, चलो आ जाओ, चलो दोनों साथ मिलके तोड़ेंगे, आ जाओ। मैंने इसलिए कहा था ज्यादा लग जाएगा मेरे हाथ। चलो चलो आ जाओ आ जाओ, चलो ओए तोड़ लो आम तोड़ो। वो देखो ये भी तीन लगे हैं, अबे भाई मैं गिर ना जाऊं, मैं कहाँ चढ़ाऊ, तोड़ लो खींचो खींचो, ये वाले तोड़ो तोड़ लो तोड़ लो, गिर नहीं जाना, और तोड़ दो तीनों, तोड़ लो। एक तोड़ लिया, अरे भाई मैं गिर जाऊंगा, मैं बहुत गलत खड़ा हुआ, वही ये देखो अब्दुल्ला ने भी तोड़ लिए, और ये रहा भाई, एक मुझे भी तोड़ने दो, सारे आप ही तोड़ोगे भाई, एक ये लगा हुआ है, ये देखो ये मैं तोड़ूंगा, ओए फाइनली मैंने भी एक तोड़ लिया, नीचे उतर जाते हैं, चलो आ जाओ अली। ओ भाई साहब हमने इतने सारे तोड़ लिए हैं ताज़े ताज़े, और ये आई थिंक अभी केरियाँ हैं, एक दो दिन इनको रखना पड़ेगा फिर ये आम तैयार हो जाएंगे। आ जाओ अली नीचे आओ, आगे भाई और भी बहुत सारी चीज़ों के दरख्त लगे हुए, अली आओ आगे आओ, असद आ जा। ओए भाई बहुत बड़ा आम का दरख्त है, अपने जैसा, ये देखो असद ने अपने जैसा आम तोड़ा है, मजा आया घर। ये देखो यहाँ पे ताजी ताजी लाल मिर्चें लगी हुई हैं, ओए होए होए, ये देखो कभी आपने देखी है लाल मिर्चें लगी हुई? वे भाई साहब पूरा लाल मिर्चों का खेत है ये। ये ना हमारे हमजा भाई का बाग है, क्या हाल है हमजा भाई, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह पाक का। हमजा भाई आपने बताना ये यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है बाग में? ये आड़ू का बूटा है, तकरीबन आड़ू अब खत्म हो चुका है। ये आड़ू का दरख्त है ये वाला? आड़ू का, हाँ।
गाइस इस पे आड़ू लगता है, अब आड़ू नहीं लगा हुआ। ये सेब का दरख्त है, सेब का दरख्त भाई, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। ठीक है, ये अंगूर की बेल है, ये अभी छोटी है। अच्छा, अंगूर लगे हैं इस पे? नहीं, अभी नहीं लगे हुए। ये अंगूर की बेल है भाई, इस पे अंगूर लगते हैं। और यहाँ पे टमाटर भी लगे हुए गाइस, ये देखो टमाटर लगे हुए, ओए होए कच्चे हैं अभी। देखो पहले ग्रीन होता है फिर रेड होता है। ये खराब है असद, खराब खराब चीजें ही उठा रहा है ये देखो, अपने जैसी अपनी जैसी चीजें उठा रहा है। ये अमरूद का बूटा है, ये देखो गाइस, ये तो अनार है, अमरूद है गाइस, चेक करो कितने चुन्ने मुन्ने अमरूद लगे हुए, छोटे छोटे से अमरूद। पुदीना तोड़ लिया आपने? ये आम का बूटा है गाइस, ये देखो क्यों से मत नजर आ रहा है ना, कितने सारे आम ही आम लगे हुए। और अली ने तो मामा के लिए पुदीना तोड़ लिया, चेक करो। ये केले लगे हुए हैं, बनाना, ये भी छोटे हैं, छोटे हैं गाइस, हरे हरे ना, खा नहीं सकते हम लोग। ये भी अभी छोटे हैं, माल्टे, माल्टे लगे हुए, माल्टे इधर लगे हुए हैं, ये देखो, ये देखो गाइस, इतने छोटे छोटे से माल्टे लगे हुए हैं। ये माल्टे हैं, मैं तो समझ रहा था ये नींबू है, लेकिन ये माल्टे हैं। ये अंजीर का बूटा है ये वाला गाइस, ये अंजीर है। अंजीर तो गोल नहीं होती? नहीं, यही होती है, बड़ी होगी फिर पता नहीं कैसी हो जाती है। अली ने इतना सारा पुदीना तो अली ने तोड़ लिया आप लोगों का। ये लोगाट है, ओए होए होए भाई, बहुत बड़ा बाग है इन लोगों का। चलें वापस, चलें, मगरिब की अजान होने वाली है, बहुत दूर है यहाँ से हमारा घर, तो चलते हैं भाई फटाफट से। अली, आम शाम जो आपने तोड़े थे कहाँ हैं? वहाँ पर रखे हैं। चलो उठा लेते हैं भाई। ओए ओए, अभी मैं गिर जाता, बच गया। ओए, अली ने धक्का दिया मुझे। नहीं? अली के साथ ना एक और दफा मुझे लग रहा है प्रैंक करना पड़ेगा। ये देखो गाइस, आम ले लिए, चलते हैं भाई अब फटाफट से घर। घर आ गए थे, घर आके मैं एडिटिंग शेडिटिंग में बिजी हो गया था, अभी फ्री हूँ, खाना भी रेडी हो गया। खाने में आज मामा ने मटन कढ़ाई बनाई है, तो खाते हैं भाई फटाफट से रात का खाना। खाना पीना हो गया, एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई, इस व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नहीं हो, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अब हमारे पापा आ गए, तो अब आने वाले हैं आप लोगों के लिए न्यू और अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अब आप लोग बोर नहीं होंगे। अली भाई, तो गाइस आज जो हम लोग आमों के बाग में गए थे, अनस भाई लोगों ने ना वहाँ पर मेरे साथ प्रैंक कर दिया, मुझे खुद को आम तोड़ने के लिए खड़ा कर दिया और खुद भाग गए। तो वहाँ पर एक भाई आया, उन्होंने मुझे मारा, और अनस भाई फिर बाद में आया, अनस भाई ने मुझे बताया कि अली आपके साथ तो हम लोग एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, और आज पापा भी आ गए, अब आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बस आप लोगों ने एंड तक हमारे व्लॉग देखने, बस आप लोगों ने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देने, तो इसलिए लोगों में पर करने लगा हूँ एंड आई होप आप सबको लोग पसंद आएगा, तो इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा सब्सक्राइब तो और मस्ट है, और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक्स वॉचिंग, ओके बाय।